कहानियां। सपना जो सच हो गया। विद्यालय के परिसर में कई तरह के रंग बिरंगे फूल देखकर बच्चों को बहुत अच्छा लगता। उनका मन ललचाता कि एक फूल तोड़कर उंगलियों में नचाए, लेकिन क्यारियों में कई जगह तख्तियों पर लिखा था, फूल तोड़ना मना है, इन्हें दूर से ही देखें, ये हमारे सच्चे मित्र हैं, हमें फूलों से प्यार करना चाहिए, फूल पौधों पर ही खिले हुए सुंदर लगते हैं। फरवरी का महीना प्रकृति के लिए वरदान बनकर आता है, वो स्वयं ही दुल्हन सी सच धज कर सबका मन मोह लेती है। नटखट शिवानी एक अंग्रेजी पब्लिक स्कूल में कक्षा 3 में पढ़ती थी। पढ़ने में होशियार थी। उसकी कक्षा में कुल 50 बच्चे थे। इसी कक्षा में पल्लवी भी पढ़ती थी, जो पढ़ने में शिवानी से भी अधिक होशियार थी। जब भी मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक परीक्षा होती, पल्लवी ही सबसे अधिक अंक प्राप्त करती। कक्षा के कुछ बच्चे पल्लवी से ही इसी कारण मन ही मन ईर्ष्या करते, यदाकदा उसको किताबी कीड़ा कहकर चिढ़ाते, लेकिन वो उनके चिढ़ाने पर मुस्कुरा देती। शिवानी भी पल्लवी से बहुत ईर्ष्या करती थी, लेकिन पल्लवी उससे उतना ही प्यार करती। पल्लवी और शिवानी कक्षा में पास पास बैठती, परंतु शिवानी पल्लवी से दोस्ती ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह मन ही मन उससे ईर्ष्या जो करती थी। ईर्ष्या का यही एक कारण था कि पल्लवी के नंबर उससे अधिक क्यों आते हैं। पल्लवी उसकी कभी कभी मदद भी कर देती, शिवानी फिर भी उसकी सहायता को नज़रअंदाज कर देती। पल्लवी उससे मुस्कुराकर बातें करती तो वो कभी कभी मुंह बिचका देती। शिवानी के रुख व्यवहार पर पल्लवी को कभी क्रोध नहीं आया। उसका कारण था कि पल्लवी को उसकी माँ ने सरल, सहज और धैर्यवान बना दिया था। प्रे उसकी माँ रात्रि में सोने से पूर्व उसके अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर छोटे छोटे उदाहरणों का सहारा लेकर समझाती। उसकी समझ में सब आ जाता। वो शिवानी के व्यवहार की माँ से भी चर्चा करती, परंतु उसकी माँ समझाती, बेटिया तुम अपनी ओर से कोई गलती मत करना, तुम उससे सदा मुस्कुराकर व्यवहार करना, कभी उसे पेंसिल, रबड़, पटरी आदि की ज़रूरत पड़े या पढ़ाई में कुछ पूछे तो मदद कर देना, एक न एक दिन वो तुमसे अच्छा व्यवहार अवश्य करने लगेगी। माँ की शिक्षा ने ही बेटी को सरलता और सहजता की कीमती गहना पहना दिया था। माँ उसको एक और बात कहती, बिटिया हम यदि किसी से बिना कारण के गुस्सा करते हैं या उससे नफरत करते हैं, तो ऐसा करने से ईश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता है और उल्टे ही हमारा खून सूखता रहता है, हम कमज़ोर होते जाते हैं। सबसे बड़े शत्रु तो हमारा क्रोध और नफरत ही है। एक बार शिवानी और उसका छोटा भाई पुनीत माँ के साथ साथ रात्रि में सो रहे थे। शिवानी ने सपना देखा कि उसने पल्लवी को अपना दोस्त बना लिया है। दोनों ही साथ साथ पढ़ते हैं, बातें करते हैं और दोपहर में साथ साथ टिफिन का भोजन भी खाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है मिलजुल कर रहने में। वार्षिक परीक्षा में उसकी पल्लवी से भी अधिक नंबर आए हैं, फिर भी पल्लवी उसकी खुशी में शामिल हो गई है, उसे शाबाशी दे रही है। कितनी ग्रेट है पल्लवी। भोर में पक्षी चहचाने लगे थे, चहचाने से कई तरह की धुनें और कई तरह के गीत साथ साथ चल रहे थे। शिवानी के घर के परिसर में कई तरह के पेड़ पौधे लगे थे, जिसमें बेला, चमेली, चंपा, हर श्रृंगार के अतिरिक्त 2 पेड़ आम के, 1 अमरूद का तथा 3 पपीते के थे। इसी कारण कुछ पक्षियों का बसेरा इन्हीं पेड़ पौधों में रहता। शिवानी के पापा पक्षियों के उपयोग के लिए एक पात्र में जल भर देते तथा कुछ दाने बिखेर देते। सभी पक्षी बड़े मज़े से खाते और रहते। शिवानी को अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाने में खूब मज़ा आता। वो अपने भाई को भी तोड़ तोड़ कर खिलाती रहती। सुबह सुबह शिवानी की माँ ने जैसे ही उसके चेहरे को सहलाकर दुलारा तो वो यकायक उठकर बैठ गई। बोली, माँ मैं अभी बहुत अच्छा सपना देख रही थी, मेरी पल्लवी से दोस्ती हो गई है और हम साथ साथ मेहनत से पढ़ते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं। मेरी वार्षिक परीक्षा में पल्लवी से भी अधिक नंबर आए हैं, पल्लवी मेरी खुशी में शामिल हुई है। ये सब कहते कहते वो माँ से लिपट गई। तभी उसके पिता भी सुबह की सैर करके आ गए। बिटिया शिवानी आज सुबह सुबह बहुत खुश हो रही हो, लगता है आज आपने कोई अच्छा सपना देखा है, मुस्कुराते हुए शिवानी के पापा ने पूछा।
हाँ पापा जी, आज मैंने बहुत अच्छा सपना देखा है। बिटिया, क्या सपना देखा है, थोड़ा हमें भी सुनाओ ना। शिवानी ने अपने पापा को अपने सपने में हुई बातें बताई। सुनते ही उसके पापा ने उसे गोदी में उठा लिया। ओ मेरी बेटिया, ये तो आपने बहुत अच्छा सपना देखा है। अपने देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते थे, जो बड़े बड़े सपने देखते हैं वही उन्नति करते हैं। पापा जी, आज मैं स्कूल जाकर पहला काम यही करूँगी कि पल्लवी को अपनी पक्की दोस्त बनाऊँगी, उसके साथ साथ पढ़ूंगी, खेलूँगी, खाऊँगी और बातें करूँगी। हाँ हाँ बेटिया, ऐसा ही करना। अच्छी होशियार सहेलियों की तो संगति करनी चाहिए। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा था। नित्य की भांति शिवानी तैयार हुई और अपने भाई पुनीत के साथ स्कूल के रिक्शे में बैठकर चली गई। आज उसकी खुशी का ठिकाना न था। वैसे वो मन ही मन अपने पर खींच भी रही थी कि उसने इतनी अच्छी पल्लवी से नफरत क्यों की, पर वो तो उससे कितना प्रेम करती रही, समय समय पर उसे मदद पहुंचाती रही। मेरे पापा तो कब से कह रहे थे कि पल्लवी से दोस्ती कर लो, उसके साथ साथ पढ़ा करो, लेकिन मम्मी ने कभी नहीं कहा था कि उससे दोस्ती कर लो। आज पल्लवी ने बहुत दिनों बाद शिवानी को इतना खुश होते देखा। शिवानी पल्लवी को गले लगाते हुए बोली, आज से हम दोनों सचमुच ही पक्की दोस्त बन गई हैं। आज मैंने ऐसा ही एक सपना रात में देखा। पल्लवी, दोनों ही अब पक्की सहेलियाँ बन गई। पढ़ना, लिखना, खेलना और खाना सब साथ ही होता। जब शिवानी की समझ में गणित ना आता तो पल्लवी समझा देती। यदि दोनों के मन में कोई संशय होता तो वे अपने अध्यापक अध्यापिकाओं से पूछ लेती। वार्षिक परीक्षा हुई, परीक्षा फल आया। सचमुच ही शिवानी के पल्लवी से कुल योग में 2 नंबर अधिक आए थे। शिवानी अपने सपने को साकार होते देख बेहद खुश हुई थी। पल्लवी इसलिए खुश थी कि नफरत करने वाली एक लड़की को उसने माँ के दिए संस्कार और व्यवहार से बहुत अच्छी लड़की बना दिया था। पल्लवी स्वयं अपनी माँ की शिक्षा और संस्कारों को साकार होते देख रही थी। सफर। ट्रेन सरपट भागी जा रही थी, छोटे स्टेशनों पर कुछ सेकंड और बड़े स्टेशनों पर कुछ मिनट। हम भी अपने जीवन में ऐसे ही चलते रुकते रहते हैं, उसी ट्रेन की तरह। लेकिन जीवन में आने वाले छोटे छोटे स्टेशन भी कभी कभी जिंदगी पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं, जो जिंदगी के आखिरी सफर तक भी नहीं मिट पाते। उसी ट्रेन में बैठा हुआ वो नवयुवक फौजी अफसर एक टक मुझे देखता जा रहा था। अपनी मोटी मोटी आंखों से कभी मेरे चेहरे और कभी मेरी बाजुओं और उंगलियों को गौर से देखता, जो कि एक नॉवल थामे हुए थी जिसे राजेश ने मुझे स्टेशन से खरीद कर दिया था, ताकि मैं उस लंबे सफर से बोर न हो पाऊं। उस युवक के कंधों पर ओवरकोट लटका हुआ था और एक कंधे पर लगे 3 स्टार उसकी अच्छी पर्सनैलिटी बनाए हुए थे, जिसे मालूम होता था कि वो कैप्टन था। उसके चेहरे के भाव स्पष्ट कर रहे थे कि वो काफी देर से इस प्रतीक्षा में था कि मुझसे कोई बात छिड़े। कब तक चुप रहता, आखिर बोल पड़ा, कृपया खिड़की अच्छी तरह बंद कर दीजिए, चलती ट्रेन से हवा बड़ी तेजी से अंदर आ रही है, सर्दी लग जाने का डर है। मैं बोलने के मूड में तो नहीं थी, चुपचाप उठी, खिड़की बंद कर दी और नजरें फिर नॉवल पर टिका दी। नॉवल कारगिल युद्ध पर आधारित था। उन तस्वीरों को देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते थे और दिल धड़कने लगता था। सामने बैठा वही अफसर जो पाकिस्तानी सैनिक की तरह डरावना लगा, चूंकि माहौल ही ऐसा था। कंपार्टमेंट खाली था और रिजर्व्ड होने के कारण दूसरा आदमी अंदर नहीं आ सकता था। ऐसे माहौल में मुझे काफी घुटन महसूस होने लगी थी। सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, मैं अकेली थी। ऐसे में वो लंबा चौड़ा और निडर कैप्टन मुझे देखते ही जा रहा था। मेरी नजरें चाहे नॉवल पर थी, लेकिन दिल चाह रहा था भगवान करे एक दो यात्री यहाँ आ जाए, ताकि मैं निश्चित हो जाऊं। मुझे अपने औरतपन का एहसास होने लगा। कितनी बड़ी भूल की थी मैंने, जो राजेश को अपने साथ आने से इनकार कर दिया। यही सोचे जा रही थी, राजेश ने मुझे स्टेशन पर एक बार फिर कहा था, सपना अपनी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तुम्हारा अकेले सफर करना ठीक नहीं है, तुम यूं ही डर रहे हो। मैंने कहा, आखिर अपनी रक्षा करने की मुझ में भी तो हिम्मत है। पहले वही आप 2 महीने की छुट्टी ले चुके हैं, और अगर अब छुट्टी की तो ऑफिस से सदा के लिए छुट्टी। ठीक है, तुम्हारी इच्छा, जैसा चाहो करो, राजेश निराश मन से बोला। मैंने ठीक ही तो
तो किया था। यदि राजेश साथ आते तो हो सकता था कि अफसर उन्हें डांटता, जो मुझे पसंद नहीं। मैंने कभी नहीं चाहा कि राजेश किसी के सामने झुके या शर्मिंदा हो। डैडी बीमार थे, मैंने सोचा फिजूल में राजेश को परेशान करूं, इसलिए अकेले ही डैडी के पास जा रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ सफर करना है जो सफर को एक कहानी बना देने वाला है। आखिर ये सब सोचना बंद कर मैंने फिर नॉवल पढ़ना शुरू किया और एकदम सारा शरीर कांप उठा उस चक्र को देखकर जिसमें बांग्लादेश की जवान लड़कियों और औरतों की इज्जत पाक बहिशों द्वारा लूटी जा रही थी। एक तो ठंड भी सख्त पड़ रही थी और दूसरे डर और घबराहट से मेरा सारा बदन कांपने लगा। रात भी अधिक होती जा रही थी। उसकी क्रूर दृष्टि फिर एक बार मुझ पर पड़ी, साथ ही वो बोला, अरे सर्दी से आप तो कांपे जा रही है, बिस्तर क्यों नहीं बिछा लेती, अभी तो सफर काफी लंबा है। इन शब्दों ने मुझे बेचैन और बेजान कर दिया। कांपते हाथों से मैंने बिस्तर बिछा रही थी और वो शैतान बार बार मुझे और मेरे हाथों को काम करते गौर से देखता जा रहा था। बिस्तर में बैठे जाने से सर्दी तो कम महसूस होने लगी थी, लेकिन डर तो बढ़ता ही गया। रात का समय, सर्दी का मौसम और खाली कंपार्टमेंट, हे भगवान क्या होने वाला है। मैं और घबरा गई। अपनी इस घबराहट को छुपाने के लिए मैं बेकार नॉवल पढ़ने लगी। सो भी नहीं सकती थी। पढ़ते पढ़ते आंखें भी लाल हो गई थी। एक बार उसे देख लिया तो उसे फिर बोलने का मौका मिल गया। फरमाने लगा, आपकी सुर्ख आंखों को देखकर ऐसा लगता है आपको काफी नींद आ रही है। अगर ऐसा ही है तो बेफिक्र सो जाइए, डरने की कोई बात नहीं, मैं भी जाग रहा हूं। वह कहता चला गया, लेकिन बीच में मैं ही बोल उठी, जी अच्छा। और फिर वो खामोश हो गया। मैंने आंखें मूंद ली ताकि उसका विकराल चेहरा न देख सकूं। कुछ ही पल हुए गाड़ी धीमी हो गई, स्टेशन आया और ट्रेन रुक गई। शायद यहां से कोई भीतर आ जाए, ये सोच मैंने खिड़की खोल दी और बाहर देखने लगी। जो यात्री आता डिब्बे को रिजर्व देख आगे निकल जाता। मैंने फिर खिड़की बंद कर दी, लेकिन बाबूजी बाबूजी जरा दरवाजा खोल दो, मेरा बच्चा सख्त बीमार है। गाड़ी में और कहीं जगह नहीं, एक औरत नन्हे से बच्चे को लिए चिल्ला रही थी। नो इट इज रिजर्व, कैप्टन साहब बोले। शायद वो समझी नहीं, फिर दरवाजा पीटने लगी। मैंने उसकी लाचारी देख कैप्टन की कोई परवाह नहीं की और दरवाजा खोल दिया। वो भोली सी औरत अपने कमजोर बालक को लिए हुए अंदर आ गई और फर्श पर ही बैठ गई। उसके मासूम चेहरे से लग रहा था कि वो नेहत शरीफ औरत है। उसके अंदर आ जाने से मुझे बहुत हौसला मिला और मैं बेफिक्र खुश सो गई। रात में ख्वाब में भी कुछ डरावने सपने आए और जब सुबह आंख खुली तो मैं दंग रह गई। उस औरत और कैप्टन में तेज तकरार हो रही थी। औरत के वस्त्र फटे हुए थे और शरीर के कई भागों से खून निकल रहा था। मुझे देखकर वो औरत रोने लगी और फूट पड़ी, बहन इस कमीने ने मुझे बर्बाद कर दिया, इस जल्लाद में मेरे बच्चे को खत्म कर दिया और मेरी इज्जत लूट ली, इस पापी कुत्ते ने मुझे जख्मी कर दिया, अब मैं कहां जाऊंगी, किसे अपना मुंह दिखाऊंगी। बकवास बंद करो हरामखोर, मैं तुझ जैसी औरतों की नस नस से वाकिफ हूँ जो शरीफ इंसानों पर कीचड़ उछालती हैं। अगर पैसे की जरूरत थी तो सीधे तरह मांग लेती, ये ढोंग करने की क्या जरूरत थी, लेकिन अब मैं तुझे जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। आने दे जरा स्टेशन, कैप्टन जोर जोर से करजा। मुझे वो दृश्य देख पसीना आ गए। वही हुआ जिसका मुझे डर था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरी बला उस मासूम पर आ गई। वो ना आती तो मेरा भी यही हाल होता, तब मैं राजेश को क्या मुंह दिखाती। शायद उस समय गाड़ी से कूद जाती और उसका खून कर देती। मुझे उस नीच कैप्टन पर क्रोध आ रहा था। नफरत भरी आंखों से जब मैंने कैप्टन को देखा तो मुझसे नजरें न मिला सका। उसे हिम्मत भी कैसे होती। जैसे जैसे स्टेशन आया, गाड़ी रुकी और औरत ने चिल्ला चिल्ला कर अपने इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी कर ली। कुछ ही मिनटों में 5-7 पुलिस वाले आ गए। उन्होंने गौर से उस औरत की बातें सुनी और बड़ी हैरानी और नफरत से उस कैप्टन को देखने लगे जो अपनी लाल लाल आंखों से उस औरत को घूरता जा रहा था। अचानक भीड़ को चीरता हुआ वहां एक ब्रिगेडियर आ पहुंचा। ये ब्रिगेडियर मान सिंह थे। मैंने उन्हें अपने कॉलेज फंक्शन में एक बार देखा था। उन्होंने भी उस औरत के बयान लिए और फोटोग्राफ भी। तब वे कैप्टन की तरफ बढ़े और खींच कर बोले, एक कैप्टन से मुझे ऐसी आशा नहीं थी। तुमने ऐसा नीच काम कर अपने ओहदे को कलंकित किया है। तुम जैसे अफसरों को देश का मान बढ़ाने के लिए रखा जाता है, न कि अपने ही देश की लाचार औरतों की इज्जत लूटने के लिए। मुझे अफसोस है, तुम इन 3 इस्तारों के तो क्या किसी सरकारी पद के काबिल नहीं हो। और ब्रिगेडियर ने जैसे ही उन 3 इस्तारों को नोचने का प्रयत्न किया, कैप्टन का ओवरकोट फिसल कर नीचे गिर गया।
वो दृश्य देखकर सब अवाक रह गए और उस औरत ने बड़ी कठिनाई से खुद चीखने पर काबू पाया। आश्चर्य से मेरा मुख भी खुला का खुला रह गया। कैप्टन की दोनों बाजू कटे हुए थे। वातावरण ने नया मोड़ लिया। इस स्थिति में कैप्टन चुप न रह सका। वो बोला, ब्रिगेडियर साहब, ये दोनों बाजू मैंने बांग्लादेश के युद्ध में देश की इज्जत बचाने की खातिर कटाए हैं। अभी तक मुझे इनके कट जाने का दुख था, लेकिन आज मैं समझ चुका हूँ, भगवान जो भी करता है ठीक करता है। जिन हाथों ने मेरी एक कैप्टन की इज्जत बचा ली है, आज के बाद मुझे अपने कटे हुए हाथों का कभी गम न होगा। समझदार बनो। मोहनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मंगलू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। पूरा गांव उसे मंगलू चाचा कहकर ही पुकारता था। उनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। उनके बैल इतने कमजोर थे कि उनकी बंजर और पथरीली जमीन पर हल चलाने में असमर्थ थे। मंगलू का नंदू नाम का पुत्र था। वो नंदू को बहुत प्यार करता था। वो स्वयं सारे काम करता, किंतु नंदू से कुछ काम नहीं करवाता था। मंगलू समय से पहले बूढ़ा हो चुका था। उसका शरीर देखने में हड्डियों का ढांचा मात्र था। वो नंदू को खेती जैसे कठोर काम में नहीं लगाना चाहता था। एक दिन मंगलू ने अपनी पत्नी से कहा, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, नंदू जवान हो चुका है, अब वो सब काम करेगा और हम आराम से खाएंगे। मुझे नंदू पर पूरा भरोसा है, हमने उसे बहुत दुखों से पाला है, खुद भूखे रहकर इसे भरपेट खिलाया है, खुद फटे वस्त्र पहने लेकिन इसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को दिए। मुझे यकीन है चाहे सारी दुनिया बदल जाए, किंतु नंदू नहीं बदल सकता। मंगलू की पत्नी ने कहा, स्वामी कभी कभी सपने उल्टे भी हो जाते हैं, तुम अब सपने देखना बंद करो। मैं पहले आपकी पत्नी हूँ और बाद में नंदू की माँ। मैं नंदू को अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे उस पर जरा भी विश्वास नहीं है। अब तुम भी नंदू को लाड़ प्यार करना बंद करो। जिस दिन तुम्हारे शरीर की शक्ति समाप्त हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा ये लाडला नंदू तुम्हें बोझ समझने लगेगा। नंदू के विषय में मंगलू और उसकी पत्नी के विचार भिन्न थे। इसी प्रकार लड़ते झगड़ते मंगलू और उसकी पत्नी का समय व्यतीत हो रहा था। एक बार गांव में हैजे की बीमारी फैल गई। मंगलू की पत्नी भी इस बीमारी की चपेट में आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। मंगलू नंदू का रो रोकर बुरा हाल था। जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। जब पिता पुत्र दोनों रोते रोते थक गए तो उन्होंने संतोष कर लिया। अब घर संभालने वाला कोई नहीं था। गांव वालों के कहने पर मंगलू ने नंदू का विवाह कर लिया। नई नई दुल्हन के आने से घर में फिर से खुशियां आ गईं। एक वर्ष बाद नंदू की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने कृष्णा रख दिया। नंदू और उसकी पत्नी कृष्णा को बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे थे। मंगलू को कृष्णा के बिना खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था। वो सारे दिन कृष्णा का नाम ही पुकारता रहता था। बुढ़ापे से बड़ा कोई रोग नहीं होता। बुढ़ापे में तो सगे संबंधी भी शत्रु बन जाते हैं। जवानी में तो हर व्यक्ति साथ देता है, किंतु बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता। बुढ़ापे के कारण मंगलू का भी स्वास्थ्य खराब रहने लगा। वे दिन भर खांसते रहते थे। धीरे धीरे उनके शरीर की शक्ति क्षीण होती चली गई। कुछ दिन तो नंदू और उसकी पत्नी ने मंगलू की खूब सेवा की, किंतु धीरे धीरे वे दोनों भी दूर भागने लगे। मंगलू का एकमात्र सहारा उसका पोता कृष्णा ही था, जो हर समय अपने बाबा की सेवा करता था। मंगलू की बीमारी से नंदू और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो चुके थे। जब नंदू खेतों में काम करने चला जाता तो उसकी पत्नी को मंगलू की सेवा करनी पड़ती थी। एक दिन नंदू की पत्नी ने कहा, इस बूढ़े ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है, सारा दिन कुछ न कुछ मांगता रहता है, अब तो हमारा इस घर में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इस बूढ़े को या तो नदी में फेंक दो या फिर गला घुटकर मार दो। नंदू ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसा मत कहो, ये मेरे पिता हैं, मैं इन्हें मार नहीं सकता, वरना लोग तो यही कहेंगे कि मैंने एक बूढ़े और लाचार बाप को मार डाला। नंदू के समझाने का भी उसकी पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ। वो प्यार से नंदू को समझाते हुए बोली, तुम इन्हें इलाज के बहाने से ले जाओ और नदी में फेंक दो, ऐसा करने से इन्हें मुक्ति मिलेगी और हमें शांति मिल जाएगी। यदि तुम इन्हें नदी में नहीं फेंक सकते तो जंगल में गड्ढा खोदकर उसमें दबा दो, ये काम तुम्हें आज रात को ही करना है।
यदि घर पर ही मर गए तो बेकार में खर्चा बढ़ जाएगा। विवश होकर नंदू को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। यद्यपि नंदू ये पाप कर्म करने को तैयार नहीं था, किंतु पत्नी की जिद के कारण उसने रात के अंधेरे में बैलगाड़ी तैयार कर ली और अपने पिता मंगलू को चारपाई सहित ही बैलगाड़ी में रख लिया। बालक कृष्ण अपने बाबा के पास ही सोता था, तभी उसकी नींद टूट गई और वो भी अपने बाबा के साथ चलने की जिद करने लगा। कृष्णा बाबा को अकेला नहीं छोड़ता था। कृष्णा के जागने के कारण नंदू और उसकी पत्नी की सारी योजना असफल हो रही थी, पर नंदू की पत्नी शांति ने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में बैलगाड़ी जा रही थी। कृष्णा अपने बाबा का माथा बार बार सहला रहा था। रास्ता सुनसान था। मंगलू की खांसी की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगली जानवरों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। गाड़ी भयानक जंगल में पहुंची तो नंदू फावड़ा लेकर पेड़ों की ओट में चला गया। नंदू ने गड्ढा खोदना आरंभ कर दिया। कृष्णा की समझ में कुछ नहीं आया। वो सोचने लगा कि आखिर पिताजी रात में इतने सुनसान जंगल में गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। कृष्णा ने कहा, पिताजी आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। नंदू ने कहा, वे बेचारे कब तक दुख भोगते रहेंगे, बहुत दुखी हैं। तुम्हारे बाबा को शांति देने के लिए ही मैं ये गड्ढा खोद रहा हूँ। कृष्णा बहुत होशियार था। वो अपने पिता की चालाकी समझ गया। कृष्णा ने अपने पिता से कहा, पिताजी जब आप ये गड्ढा खोद लें तो फावड़ा मुझे दे दीजिए, ताकि मैं भी आपके लिए पहले से ही गड्ढा खोद सकूं। जब आप बीमार हो जाएंगे तो मुझे अंधेरे में गड्ढा खोदना नहीं पड़ेगा। मैं भी आपकी शांति के लिए ये पुण्य काम अभी करना चाहता हूँ। कृष्णा की बात सुनकर नंदू की आंखें खुल गईं। नंदू ने अपने पुत्र को गले से लगाकर कहा, बेटा तुमने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं सचमुच बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। नंदू ने अपने पिता को शहर ले जाकर अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया। मंगलू की खांसी बिल्कुल ठीक हो गई और वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट आया। नंदू की समझ में ये बात आ गई कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटना पड़ता है। यदि कृष्णा समय पर अपने पिता की आंखें नहीं खोलता तो सचमुच बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। समान स्वभाव वाले से मित्रता करो। चूहे और मेंढक की भेंट हुई और वो देखते देखते बड़ी गहरी मित्रता में बदल गई। चूहे ने कहा, चलो भाई विदेश चलें, सुख से कमाए खाएं, यहां तो पेट भर भोजन के लाले पड़े हैं। मेंढक ने जवाब दिया, बात तो बड़े पते की कहते हो, बस चलो अभी चलें, परंतु चलने से पहले एक काम करें, हम दोनों एक मजबूत और मोटे धागे से अपनी अपनी कमर बांध लें। ऐसा होने से हम दोनों सदा एक साथ रहेंगे, कभी आपस में नहीं बिछड़ेंगे और सुख दुख में एक दूसरे के काम आ सकेंगे। चूहे को यह सलाह इतनी पसंद आई कि वो फौरन कहीं से एक मोटा और मजबूत धागा ढूंढ लाया। फिर उसके पहले छोर से अपनी और दूसरे छोर से मेंढक की कमर बांधने के बाद बोला, लो झटपट चलो, अब जरा भी देर न करो। मेंढक ने फुदकते हुए कहा, हम बढ़ते हैं, तुम हमारे पीछे पीछे दौड़ लगाते चले आओ। इस प्रकार दोनों दोस्त एक दूसरे से बंधकर विदेश की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नाला पड़ा। उसका गहरा नीला पानी देखते ही चूहा घबरा कर बोला, अरे रे, ये नाला बीच में कहां से आ मरा। भैया मेंढक, हम तो इससे पार न कर सकेंगे। मेंढक एक छलांग मारकर पानी में जा गिरा। उसके साथ चूहा भी खिंचकर पानी में जा पहुंचा। मेंढक जरा बिगड़कर बोला, मरे क्यों चाहते हो, तैरते तैरते चले आओ। तैरना न जानते हो तो वैसा करो, हमारी पीठ पर आ बैठो, हम तुम्हें बड़ी सरलता से उस पार पहुंचा देंगे। बीच धार में मेंढक को शैतानी सूझी तो मेंढक घड़ाप से पानी के भीतर गया और चूहे को भी पानी के भीतर खींचने लगा। बेचारा चूहा लगा अपने बचाव की कोशिश करने और गिड़गिड़ाने, अरे मेंढक भैया दया करो, पानी के ऊपर आ जाओ, नहीं तो हम डूबे और मरे। परंतु मेंढक को तो मजा आ रहा था, भला वो चूहे की चीख पुकार कब सुनने वाला था। चूहा बेचारा उसी तरह रो रो कर कहता था, मान जाओ ए मेंढक भैया, मान जाओ, तनिक तो मित्रता निभाओ, यूं हमारे प्राणों के ग्राहक न बनो। बूढ़े पुराने लोग
ठीक ही कह गए हैं, समान स्वभाव वाले से ही मित्रता करो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। मेढक और चूहे की इस खींचातानी से पानी में बड़ी हलचल मची हुई थी। उसी समय आकाश में एक चील उड़ी जा रही थी। वो चूहे को देखकर फौरन उस पर टूट पड़ी और उसे अपने पंजों में दबाकर ले उड़ी। मेढक चूहे की कमर से बंधा ही था, वो भी उसके साथ साथ चील का शिकार हो गया। सिरफिरा बादशाह। कई साल पहले की बात है, एक बादशाह था। उसे नए नए कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। वो नई से नई पोशाकें बनवाता था और उन पर खूब खर्च करता था। इसके अलावा उसे और किसी बात में रुचि नहीं थी। यहां तक कि उसे खेल तमाशे देखने या शिकार खेलने जाने में कोई आनंद नहीं आता था। उसे बस नई पोशाक चाहिए थी। जब वो नए कपड़े पहनता तो धूमधाम से उसकी सवारी निकलती थी। नए कपड़े पहनकर वो उन्हें दिखाने के लिए लोगों के सामने निकलने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उस बादशाह के पास हजारों तरह की पोशाकें थी जिन्हें वो हर घंटे बाद बदलता रहता था। जिस तरह जब कोई किसी बादशाह से मिलने जाता है तो कहा जाता है कि बादशाह सलामत इस समय दरबार में बैठे हैं, उसी तरह इस बादशाह के लिए कहा जाता था कि बादशाह सलामत अपने कपड़ों के गोदाम में बैठे हैं। एक दिन की बात है, बादशाह के दरबार में दो ठग पहुंचे। वे अपने को जुलाहे बताते थे। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर, हम बहुत ही खूबसूरत कपड़े बना सकते हैं। इन कपड़ों में एक गुण ये भी रहता है कि ये मूर्खों को दिखाई नहीं देते। इस तरह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन मूर्ख है और कौन नहीं। बादशाह ने सोचा, वाह, ऐसे कपड़े तो बड़े काम के। अगर मेरे पास ऐसे कपड़े हों तो मैं बड़ी आसानी से इस बात का पता लगा सकता हूं कि मेरे दरबारियों और नौकर चाकरों में कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान। उसने फौरन हुक्म दिया, मेरे लिए भी ऐसे कपड़े की पोशाक तैयार की जाए। और उसने खजांची को कहकर जुलाहों को बहुत सा धन दिला दिया ताकि वे फौरन काम में लग जाएं। ठगों ने दो करघे लगाए और उन पर काम करना शुरू किया। हालांकि करघों में न ताना था और न बाना, फिर भी वे काम में लगे हुए थे। वे बराबर बढ़िया रेशम और खरे सोने और चांदी के तार मंगाते थे और उन्हें अपने संदूक में रखते चले जाते थे। वे रात गए तक खाली करघों पर बैठे झूठ मूठ कुछ न कुछ खटर पटर किया करते थे। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने सोचा कि देखें जुलाहे कैसा कपड़ा तैयार कर रहे हैं। लेकिन बार बार वो ये सोचकर घबराता कि कहीं मैं मूर्ख न सिद्ध हो जाऊं। ये सोचकर उसने पहले किसी दूसरे को भेजने का निश्चय किया। तब तक पूरे शहर में लोगों को मालूम हो गया था कि बादशाह कैसा अद्भुत कपड़ा बनवा रहा है। सब उत्सुकता से उसके तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वे जान सकें कि उसके पड़ोसियों में कौन कौन मूर्ख है। बादशाह ने अपने बूढ़े वजीर को इस काम के लिए चुना क्योंकि वो बुद्धिमान और समझदार आदमी था। बूढ़ा वजीर एक दिन उस मकान में गया जहां वे ठग काम करते थे। उसने देखा कि दोनों बड़ी तेजी से काम में लगे हैं, लेकिन दोनों के करघे खाली पड़े हैं। उसने उनको डांटकर कहा, क्यों, ये क्या हो रहा है? इन करघों पर तो मुझे सूत का एक तार भी नजर नहीं आता। जुलाहे बोले, हुजूर वजीर साहब, जरा और करीब आकर देखिए, देखिए कलाबत्तू कैसा लगा है, और उधर देखिए ये फूल पत्तियां कैसी कड़ी हैं, जरा गौर से देखिए, ऐसा खूबसूरत कपड़ा हमने आज तक तैयार नहीं किया था। बूढ़ा वजीर देखता रहा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, ये क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं वजीर बनने के काबिल नहीं हूँ? इसलिए शायद कपड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक एक ठग ने पूछा, कहिए वजीर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या कपड़ा आपको पसंद नहीं आया? वजीर ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर और गौर से देखते हुए कहा, हाँ, अरे वाह, कलबत्तू का काम, भाई वाह, हमारे मुल्क के तो अच्छे से अच्छे कारीगर ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं अभी जाकर बादशाह सलामत से कहता हूँ कि काम बड़ी तेजी से और बड़ी खूबसूरती से हो रहा है। बादशाह ने दूसरी बार अपने एक दरबारी को भेजा। दरबारी वहां गया तो उसकी भी वही दशा हुई, लेकिन वो भी अपने को मूर्ख नहीं सिद्ध करना चाहता था, इसलिए उसने भी आकर जुलाहों और उनके कपड़ों की तारीफ के पुल बांध दिए। सारे शहर में ये खबर फैल गई कि बादशाह का अद्भुत कपड़ा तैयार हो रहा है। अब एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ कुछ दरबारियों को लेकर कपड़ा देखने चला। उधर जब जुलाहों को ये मालूम हुआ कि बादशाह खुद
यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, तो वे और भी तेजी से अपने काम में जुट गए। रास्ते भर वजीर और दरबारी बादशाह के आगे उस कपड़े की तारीफ करते रहे। जब बादशाह वहां पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने मन में सोचा, ये क्या बात है, कपड़ा आखिर मुझे क्यों नहीं दिखाई देता, क्या मैं मूर्ख हूँ और बादशाह होने के काबिल नहीं। वो फौरन बोला, भाई वाह, कपड़ा तो खूब बना है, ऐसी कारीगरी का काम तो मुझे पसंद है। जब बादशाह ने कपड़े की इस तरह तारीफ कर दी तो भला दरबारी क्यों चूकते, उन्होंने भी कपड़ों की तारीफ करने में एक दूसरे को मात देनी शुरू कर दी। देखते देखते दोनों ठग सारे संसार के सबसे बड़े जुलाहे और कारीगर मान लिए गए। दरबारियों की राय से बादशाह ने जुलाहों को जल्दी से जल्दी एक बढ़िया लाबदा और शाही पोशाक तैयार करने का हुक्म दिया। साथ ही जुलाहों को शाही जुलाहों का खिताब मिला। कुछ दिन बाद बड़ी धूमधाम के साथ बादशाह की सवारी निकलने वाली थी। उस दिन वो उसी नई पोशाक को पहनकर जनता के सामने निकलने वाला था। जुलाहे रात भर काम करने लगे, झूठ मूठ हवा में कैंची चलाते थे और न मालूम क्या क्या सिलते रहते थे। फिर बड़ी खुशी से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। लो, बादशाह की नई पोशाक तैयार हो गई। उन्होंने झूठ मूठ कपड़ों पर इस्त्री की। जुलाहे दरबार में पहुंचे और अपने हाथ उठाकर बोले, सरकार, ये रहा आपका पजामा और ये है आपका लबादा, इतना हल्का कि जैसे मकड़ी का जाल हो। आप जब इन्हें पहन लेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपने कोई कपड़ा पहना ही नहीं, इतने हल्के हैं ये कपड़े। और हुजूर, आप पर तो ये कपड़े ऐसे अच्छे लगेंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। दरबारियों ने भी हाँ में हाँ मिला दी। हालांकि जुलाहों के पास कपड़ा नाम की कोई चीज दिखाई ही नहीं दे रही थी। जुलाहे बोले, सरकार, आप अपने कपड़े उतार दें और शीशे के सामने खड़े हो जाएं ताकि हम नई पोशाक आप पर सजा दें। बादशाह ने सिर्फ एक लबादा कुर्ता छोड़कर बाकी सारे कपड़े उतार दिए। ठगों ने उसे नए कपड़े पहना दिए। सब लोग वाह वाह कर उठे। देखने में बादशाह बिल्कुल पागल सा लग रहा था। सिर पर मुकुट पहने और घुटनों तक एक लंबा कुर्ता गले में डाले वो शीशे के सामने अकड़कर खड़ा हो गया। बाहर चौबदार छत्र लेकर खड़े थे। इस तरह सज धज कर बादशाह की सवारी निकली। बादशाह बार बार अपने दरबारियों से कपड़े के बारे में राय पूछता था और वे खूब तारीफ करते थे। बादशाह के पीछे पीछे उसके दो खास नौकर उसका लबादा उठाकर चला करते थे। इस बार जब उन्होंने लबादा पकड़ने की कोशिश की तो उनके हाथ में कुछ नहीं आया, लेकिन वे भी अपने को मूर्ख नहीं सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए झूठ मूठ ही बादशाह के पीछे पीछे इस तरह चलने लगे जैसे लबादा उठाए हुए हों। इस तरह ठाट बाट के साथ बादशाह की सवारी चली जा रही थी। वो अधनंगा बादशाह बड़ी शान से एक एक कदम आगे रख रहा था। लोगों ने रास्ते में भी बादशाह की नई पोशाक की तारीफ की। कोई भी ये कहकर मूर्ख बनने को तैयार नहीं था कि मुझे बादशाह के कपड़े दिखाई नहीं देते, लेकिन एक बच्चे ने जब ये तमाशा देखा तो उससे चुप नहीं रह गया। वो बोला, अरे बादशाह तो बिल्कुल नंगा है। हाँ और क्या, वो तो सिर्फ कुर्ता पहने है, दूसरे लड़के ने कहा। धीरे धीरे ये बात दूसरे लोग भी कहने लगे। जब बादशाह के कानों तक ये बात पहुंची तो वो बड़े फेर में पड़ गया। अब उसे इस तरह अधनंगे चलते हुए बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन अब वो कर भी कह सकता था। उसकी सवारी रुकी नहीं, उसी तरह शान से चलते हुए वो अपने महल में पहुंच गया। लोग मुंह छिपाकर हंसते रहे, लेकिन इसके बाद उस बादशाह की नए से नए कपड़े पहनने की सनक खत्म हो गई थी। सुख का भाग। दो बटोही एक साथ कहीं जा रहे थे। अचानक उनको रास्ते में पड़ी सोने की एक कुल्हाड़ी दिखाई दी। बस पहले बटोही ने लपक कर वो कुल्हाड़ी उठा ली और कहा, आह मेरा भाग्य जाग उठा, मुझे ये सोने की कुल्हाड़ी मिल गई है। अब जीवन भर गुलछर्रे उड़ाऊंगा और चैन की बंसी बजाऊंगा। ये सुनकर दूसरा बटोही बोला, कैसी बात करते हो भाई, ये क्यों कहते हो कि कुल्हाड़ी मुझे मिली है, ये क्यों नहीं कहते कि कुल्हाड़ी हमें मिली है। जब हम दोनों मित्र हैं और एक साथ चल रहे हैं तब ये कुल्हाड़ी हम दोनों को मिली है और इसमें हम दोनों का बराबर बराबर भाग है, कुछ समझे। पहले बटोही ने हंसकर कहा, वाह अच्छे रहे, कुल्हाड़ी पहले मैंने देखी है और मैंने ही उठाई है, फिर इसमें तुम्हारा भाग कैसे हो गया। देखो भाई, साफ बात है, कुल्हाड़ी मुझे मिली है इसलिए मेरी है, मैं तुम्हें इसका कोई भाग नहीं दूंगा। इस पर दूसरा बटोही कुछ न बोला, चुपचाप रास्ता चलने लगा। इतने में कुल्हाड़ी का मालिक दौड़ता दौड़ता
वहां आ पहुंचा। उसने कसकर पहले बटोई का हाथ पकड़ा और गरज कर कहा, मेरी कुल्हाड़ी कहां लिए जाता है? बस चल मेरे साथ राजा के पास, नहीं तो मारते मारते कचूमर निकाल दूंगा, चोर कहीं का। अब तो पहला बटोई बहुत घबराया और दूसरे बटोही से बोला, मित्र अब तो हम दोनों बुरे फंसे, हम न ये कुल्हाड़ी उठाते न इस विपत्ति में फंसते। दूसरे बटोई ने उत्तर दिया, खूब रहे तुम भी, अभी क्या कह रहे थे कि कुल्हाड़ी मुझे मिली है और मेरी है, इसलिए मैं तुम्हें इसका कोई भाग न दूंगा। अब पकड़े गए तो कहने लगे कि हम बुरे फंसे। अरे भाई ये कहो कि मैं बुरा फंसा, बस जाओ राजा के पास कचहरी में और भोगो सजा। भला पहला बटोई अब क्या कहता, वो आंखों में आंसू भरकर दूसरे बटोई का मुंह ताकने लगा। उसकी ये दशा देखी तो दूसरे बटोई को दया आ गई और उसने कुल्हाड़ी के मालिक से कहा, देखो भाई इस बटोई ने तुम्हारी कुल्हाड़ी चुराई नहीं है, ये तो इसे रास्ते में पड़ी मिली है, इसलिए तुम इस पर चोरी का अपराध नहीं लगा सकते। मेरा कहना मानो, अपनी कुल्हाड़ी ले लो और इसे छोड़ दो। कचहरी में जाओगे तो तुम भी परेशान होगे, ये भी परेशान होगा, नतीजा कुछ न निकलेगा। बात कुल्हाड़ी वाले की समझ में आ गई, उसने पहले बटोई को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी लेकर अपना रास्ता पकड़ा। इसके बाद दूसरे बटोई ने अपने साथी से कहा, कुछ समझे, मित्र के साथ छल कपट करने का नतीजा बुरा ही निकलता है। जो आदमी अपने मित्र को सुख का भाग देते हुए मुंह चुराता है, वो भला उसे दुख का भाग किस वृत्ति पर दे सकता है। सूरज और चांद में झगड़ा क्यों? जब सूरज निकलता है तो चांद छुपा रहता है, और जब चांद के निकलने की बारी आती है तो सूरज छिप जाता है। सूरज व चांद को देखकर कभी उनके बारे में ये सोचा है कि दोनों हमेशा अलग अलग क्यों रहते हैं? दोनों के संबंध के पीछे एक लोक कथा भारत के कई आंचलों में प्रचलित है। बहुत समय पहले की बात है, एक जगह एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के दो बच्चे थे, सूरज और चांद। बुढ़िया अपने छोटे बेटे से खेती में मेहनत करके साग पात उगाती और उसी से अपने इस छोटे से परिवार का भरण पोषण करती। इस प्रकार उन तीनों की जिंदगी आराम से कट रही थी। उस क्षेत्र का जमींदार एक बार तीर्थ यात्रा करने गया। जब वो यात्रा से लौट कर आया तो इसकी खुशी में उसने एक भोज का आयोजन किया। बुढ़िया के दोनों बेटों सूरज और चांद को भी जमींदार के भोज में बुलाया गया था निश्चित दिन पर। जब दोनों भाई भोज में जाने लगे तो बुढ़िया ने उनसे कहा, बेटो तुम दोनों तो भोज में जा रहे हो, मेरे लिए भी वहां से कुछ खाने के लिए ले आना। दोनों भाई भोज में पहुंचे, बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए थे। भोज शुरू होते ही विभिन्न तरह के पकवान देखकर सूरज खाने में जुट गया। वो खाने में इतना मशगूल हो गया कि उसे माँ की बात एकदम भूल गई। उधर चांद को माँ की बात याद थी, उसने स्वयं तो भरपेट खाया ही, साथ ही साथ कुछ पकवान माँ के लिए भी रख लिया। भोजन समाप्त हुआ, घर पहुंचने पर माँ ने सूरज से खाने की चीज मांगी तो उसने खाली हाथ दिखा दिया। माँ को गुस्सा आ गया और उसने कहा, जा तू हमेशा जलेगा और दूसरों को भी जलाएगा। तभी चांद आ पहुंचा, माँ ने उससे भी खाने की चीज मांगी तो उसने अपने साथ लाई सामग्री माँ के सामने रख दी। माँ पकवान देखकर प्रसन्न हो उठी और उसे आशीर्वाद दिया, बेटा तू हमेशा ठंडा रहेगा और दूसरों को भी ठंडक पहुंचाएगा। माँ के कहने का दोनों पर तुरंत असर होने लगा, सूरज गर्म होने लगा, वह चांद शांत शीतल। इस स्वरूप परिवर्तन के बावजूद दोनों भाइयों में भाईचारा अभी भी बना हुआ था। कालांतर में दोनों भाइयों की शादी हुई और शादी के बाद धीरे धीरे बच्चे भी हुए। एक दिन बात बात में दोनों भाइयों में शर्त लगी कि देखे कौन जल्दी से अपने बच्चों को छिपा सकता है। सूरज ने अपने बच्चों को किसी अनजानी जगह पर छिपाने की सोची, उसने बच्चों को बहुत गहरे गड्ढे में डाल दिया, लेकिन चांद ने बच्चों को ऐसी जगह छिपाया जहां से उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके।
बाद में चांद ने सूरज से कहा, सूरज भाई चलो अपने अपने बच्चे लाएं। सूरज मान गया। चांद ने तुरंत अपने बच्चों को छिपाने की जगह से लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन सूरज चिंतित हो उठा। अब वो अपने बच्चों को उस गड्ढे से निकाले तो कैसे? चांद ने ये देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने दुखी स्वर में कहा, सूरज भाई तुम्हारा ये कार्य देखकर मुझे बहुत कष्ट पहुंचा है। आज से न तो तू मेरा भाई है और न हमें मेलजोल रहेगा। मैं अब से तुम्हारी परछाई भी नहीं देखूंगा। आज से हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और उसी दिन से चांद ने सूरज को अपने से अलग कर दिया। कहते हैं तभी से सूरज आग का गोला बन अकेला जलता रहता है और चांद सारे संसार में शीतलता बिखेरता रहता है। चांद के साथ उसके ढेर सारे बच्चे भी रहते हैं जिन्हें हम सितारे कहते हैं। सेठ कंजूसी लाल। एक थे सेठ कंजूसी लाल। वैसे नाम तो उनका सेठ दया शंकर था, लेकिन वो स्वभाव से अत्यधिक कंजूस और चालाक प्रवृत्ति के थे। अपनी जेब का एक पैसा भी खर्च न करना उनकी जन्मजात आदत थी। एक एक पैसे को वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते थे, और यदि इत्तफाक से कोई पैसा खर्च करना पड़ जाए तो समझ लीजिए उनकी जान ही निकल जाती। बस यही वजह थी कि लोग उन्हें सेठ दयाशंकर के स्थान पर सेठ कंजूसी लाल के नाम से पुकारने लगे थे। सेठ जी के ही गांव में पंडित भगवान दास नाम का एक वृद्ध और कमजोर ब्राह्मण भी रहा करता था, जो अकेले ही पूरे गांव की पंडिताई किया करता था। सेठ जी के घर में भी पंडित भगवान दास ही सारे धर्म कर्म और तीज त्योहार के कार्य निपटाने जाता था। वो मजबूरी में सेठ जी के घर चला तो जाता था, लेकिन उसका मन सेठ जी की तरफ से काफी शुभ रहता था, क्योंकि कभी भी सेठ जी ने उसे दान दक्षिणा के मामले में प्रसन्न नहीं किया और हमेशा उसके लेन देन में कटौती और हील हुज्जत की। पंडित भगवान दास के दो जवान बेटे थे। संयोग की बात थी कि दोनों लड़के जुड़वा पैदा हुए थे। वे इसलिए दोनों के रंग रूप कद काठी शक्ल सूरत व हाव भाव में लेश मात्र भी भिन्नता नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को अक्सर उन्हें पहचानने में धोखा हो जाता था। कोई धर्म को कर्म तो कर्म को धर्म समझ बैठता था। गांव के और लड़कों की तरह ही धर्म और कर्म भी बेहद हसोड़ और शरारती थे। वे सदैव ही इस टोह में रहते कि कब कोई ऐसा अवसर हाथ लगे कि सेठ जी को चपत लगाकर उन्हें उनकी कंजूसी का एहसास कराया जाए। समय का चक्र अपनी गति से घूम रहा था कि एक दिन अचानक लंबी बीमारी के कारण पंडित भगवान दास स्वर्ग से धार गए। उनके मरणोपरांत उनकी पंडिताई का कार्य उनके बड़े लड़के धर्म को संभालना पड़ा। उसके बाद एक दिन अचानक धर्म को संदेश मिला कि उसे सेठ जी के घर पूजा करने के लिए जाना है। सेठ जी का संदेश मिलते ही धर्म की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसे इसी दिन की प्रतीक्षा थी। ये सोचकर कि सेठ जी को सबक सिखाने व उनको चपत लगाने का इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं मिलेगा, वो मन ही मन प्रसन्न हो उठा और उसने सहर्ष सेठ जी का संदेश स्वीकार कर लिया। अपने निर्धारित दिन व समय के अनुसार धर्म सेठ जी के घर पूजा करने के लिए पहुंच गया और पूजा पाठ आरंभ कर दिया। पूजा पाठ समाप्त होने के पश्चात सेठ जी ने अपनी आदत के अनुसार धर्म को भोजन आदि ग्रहण करने का आग्रह किया। धर्म को इसी समय की प्रतीक्षा थी, इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ क्यों, बिना भोजन किए क्यों, हम जा भी कैसे सकते हैं? और भोजन करने के लिए बैठ गए। सेठ जी ने उनके लिए भोजन का थाल मंगवाया। साधारण भोजन देखकर धर्म ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, ये क्या सेठ जी, आज तो खुशी का अवसर है, ऐसे खुशी के अवसर पर भी आप ब्राह्मण को साधारण भोजन कराकर भेज देंगे? धर्म की बात पर सेठ जी मन ही मन शुभ्ध हो उठे, लेकिन उसे नाराज न करने की इच्छा से बनावटी हंसी हंसकर बोले, नहीं पंडित जी ऐसी बात नहीं है, आप जैसा भोजन आदि करना चाहेंगे मैं वैसा भोजन आपको मंगवा दूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप असली घी से निर्मित शुद्ध भोजन के अतिरिक्त रबड़ी मिष्ठान और 3-4 किस्म के फल आदि मंगवा दीजिए, धर्म ने कहा। इतना सब कुछ सुनते ही सेठ जी को चक्कर आ गया। वो आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोले, पंडित जी आप इतना सारा सामान अकेले खा सकेंगे? इस पर धर्म हंसकर बोला, सेठ जी ये तो बहुत कम है, मेरी खुराक तो इससे भी ज्यादा है। धर्म की बात पर सेठ जी दांत निपोड़ते हुए बोले, जी नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है कि नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आप परेशान न हो सेठ जी, मैं वचन देता हूँ कि यदि मैं आपका लाया सारा सामान नहीं खा पाऊंगा तो बाकी के सामान की कीमत आपको अदा कर जाऊंगा।
कीमत की नाम सुनते ही सेठ जी मन ही मन प्रसन्न हो उठे और बोले, ठीक है तो मैं अभी सारा सामान मंगवाता हूँ। थोड़ी ही देर में एक बड़ा सा स्वादिष्ट भोजन का थाल धर्म के सामने आ गया। थाल आते ही सेठ जी बोले, लीजिए पंडित जी, अब तो आपकी इच्छा अनुसार भोजन आ गया, अब तो शुरू कीजिए। तभी धर्म ने कहा, सेठ जी मैंने तो आपकी शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन मैं भोजन तभी करूंगा जब आप भी मेरी एक दो शर्त स्वीकार करेंगे। शर्त? कैसी शर्त? सेठ जी ने चौंक कर पूछा। घबराइए नहीं सेठ जी, मेरी कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है। मेरी शर्त सिर्फ ये है कि यदि मैंने ये सारा भोजन समाप्त कर दिया तो आप मुझे 100 रुपये नाम बतौर देंगे, और अगर नहीं कर पाया तो मैं आपको बदले में 200 रुपये दूंगा। लेकिन इसके अलावा मेरी एक और शर्त होगी। क्या? सेठ जी ने चौंक कर पूछा। यही कि आधा भोजन करने के बाद मैं 10-15 मिनट के लिए बाहर घूमने जाऊंगा और बाकी का भोजन लौट कर करूंगा। सेठ जी ने मन में सोचा, 15 मिनट तो क्या, अगर ये आधा घंटा भी घूम आएगा तो भी इतना सारा भोजन समाप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने सहर्ष उसकी शर्त स्वीकार कर ली और बोले, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप भोजन करिए। तो ठीक है, आप 100 रुपये निकालकर थाली में रख दीजिए। धर्म ने भी अपनी जेब से 200 रुपये निकालकर थाली में रख दिए। धर्म को देखकर सेठ जी ने फौरन अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और थाली में रख दिया। आधा भोजन समाप्त कर लेने के पश्चात धर्म अपनी शर्त अनुसार घूमने के लिए बाहर चला गया और सेठ जी के घर से निकलते ही वो दौड़कर अपने घर पहुंचा, और घर जाते ही उसने अपने कपड़े उतारकर करम अपने छोटे भाई को पहना दिए और उसे सब कुछ विस्तार से समझाकर सेठ जी के घर भेज दिया। करम ने सेठ जी के घर पहुंचकर धर्म का बचा आधा भोजन क्षण भर में चट कर दिया और पेट पर हाथ फेर कर बोला, सेठ जी मैं अपनी शर्त जीत गया, इसलिए ये रुपये मेरे हो गए। कहकर उसने थाली में रखे रुपये उठाकर अपनी जेब में रख लिए और उठकर अपने घर का रास्ता पकड़ लिया। ये सब देखकर सेठ जी हतप्रभ रह गए थे। इस समय उन्हें अपने आप पर बेहद क्रोध आ रहा था, लेकिन बेचारे कर क्या सकते थे, पंडित या ब्राह्मण को तो नाराज नहीं कर सकते थे। सेवा का सुख। किसी प्रदेश में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का एक पुत्र था जिसे आने वाले समय में राजा का उत्तराधिकारी बनना था। जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजकुमार स्कूल गया तो वहां उसके अनेक मित्र बन गए। राजकुमार के सभी मित्र प्रजाजनों के ही बच्चे थे। प्राय बच्चों में गरीब अमीर का भेदभाव नहीं होता। राजकुमार अपने मित्रों से बहुत प्रेम करता था। एक बच्चे ने एक दिन राजकुमार से कहा, आप तो राजगद्दी के मालिक हैं, अब हमसे इतना प्रेम करते हो लेकिन राजा बनने पर हमें भूल जाओगे। बड़े होने पर यदि तुम मित्रता निभाओगे तब हम समझेंगे कि तुम हमें प्यार करते हो। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया, वो राजगद्दी का मालिक बन गया, और जब उसने राज्य का कार्यभार अच्छी तरह से संभाल लिया तब राजकुमार ने अपने उसी मित्र को बुलाकर कहा, तुमने एक दिन कहा था कि राजा होने पर यदि तुम मित्रता निभाओ तो जाने, आज मित्रता निभाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें 3 दिन के लिए इस राज्य का राजा बनाता हूँ, इस राजगद्दी पर बैठकर राज करो। राजकुमार का वो मित्र घबराकर बोला, अन्नदाता वे सब तो बचपन की बातें थी, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। लेकिन राजा की आज्ञा टालने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने 3 दिन के लिए राजपाट स्वीकार कर लिया। पहला दिन तो उसने खाने पीने में ही बिता दिया। रात को राजकुमार से बोला, पूरे राज के साथ साथ तो रानी भी मेरी है, इसलिए मैं राजमहल में ही सोऊंगा। राजा बने उस मित्र की ये बात सुनकर वो पतिव्रता स्त्री घबरा गई और कुल गुरु देवता के पास जाकर बोली कि अब मैं क्या करूं। रानी को चिंतित देखकर कुल गुरु ने कहा, रानी तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद कुल गुरु ने राजा बने मित्र से कहा, यदि आपकी इच्छा महल में सोने की है तो तुम्हें राजा की तरह ही सोना होगा। कुल गुरु ने नौकर से कहा कि महाराज का महल में जाने के लिए श्रृंगार करो और वेशभूषा ठीक से तैयार करके कपड़े पहना दो। नाई से कह दिया गया कि महाराज के बाल ठीक से कटने चाहिए। बाल कटने इत्र लगाने में ही पूरी रात बीत गई। 3 दिन इसी तरह बीत गए लेकिन महाराज का श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। आखिर राजकुमार ने अपना राज्य वापस ले लिया। राजकुमार ने दूसरे दिन अपने एक अन्य मित्र को बुलाया और 3 दिन के लिए उसे अपना राज्य दे दिया। मंत्री ने राजा बने मित्र से कहा, घर महल सारी फौज खजाना इस राज्य की प्रत्येक वस्तु पर तुम्हारा ही अधिकार है।
उसने शीघ्र ही उच्च अधिकारियों को आज्ञा दी कि हमारे राज्य में किस चीज की कमी है पता लगाओ। बिजली, पानी, धर्मशाला, पाठशाला, चिकित्सालय की व्यवस्था जिस गांव में नहीं है वो 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। जितना रुपया पैसा चाहिए खजाने से ले लो। राजा की आज्ञा से प्रत्येक गांव में पाठशाला, धर्मशाला, अस्पताल बनने का काम पूरे जोश के साथ शुरू हो गया। 3 दिन के अंदर राज्य के गांव में किसी चीज की कमी नहीं रही। सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई। 3 दिन पूरे होने पर उस मित्र ने राज सिंहासन राजकुमार को लौटा दिया। राजकुमार ने खुश होकर अपने मित्र को मंत्री बनाकर अपने पास रख लिया। राजकुमार ने मित्र से कहा, हमें तो राज्य विरासत में मिल गया लेकिन हमें राज्य का काम करना नहीं आता। हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना आपने 3 दिन में रखा। हम अच्छे राजा तो न बन सके लेकिन अच्छे मित्र अवश्य बनेंगे। दूसरों की सेवा करने में ही सुख है। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे परोपकार में लगाना चाहिए। दूसरों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। परोपकारी व्यक्ति से भगवान भी खुश रहते हैं, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। अपना अपना दृष्टिकोण। एक दिन महाराज कृष्णचंद अपने कुछ मंत्रियों के साथ सीमा का दौरा करने के लिए निकले। गोपाल भी उनके साथ था। रास्ते में एकाएक महाराज ने पूछ लिया, गोपाल क्या तुम बता सकते हो कि दुनिया में कौन सा जीव सबसे ज्यादा कृतिक एहसान को मानने वाला है और कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा कृतघ्न एहसान फरामोश होता है। महाराज के प्रश्न को सुनकर साथ आए मंत्री मुस्कुरा उठे, सोचने लगे आज फंस गया गोपाल। लेकिन उन्होंने जुबान से कुछ न कहा और गोपाल के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। गोपाल ने कुछ क्षण अपने दाएं हाथ की उंगली से अपना माथा ठकठकाया, फिर बोला, दयानिधिन, दुनिया में कुत्ता सबसे ज्यादा एहसान मानने वाला प्राणी है जबकि दामाद या जवाई सबसे ज्यादा कृतघ्न होते हैं। वो कैसे? महाराज ने पूछा। महाराज, कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डालने पर वो दुम हिलाकर अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। उपकार का आभार प्रकट करने के लिए उसका शरीर चाटता है, उसके सामने उछल कूद करता है। जबकि दामाद उसे बेटी दे दो, ढेर सारा धन दे दो, तब भी वो असंतुष्ट ही रहता है। वो उससे भी अधिक की आशा लगाए रहता है। सब कुछ पाकर भी उसे संतोष नहीं होता। इसलिए मैंने दामाद को सबसे बड़ा ज्यादा कृतघ्न व्यक्ति बताया है। बात तो ठीक लगती है तुम्हारी। तब तो हमें राज्य के सभी कृतघ्न दामादों को फांसी पर चढ़वा देने का हुक्म दे देना चाहिए। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, गोपाल ने इनकार में गर्दन हिलाते हुए कहा। वो क्यों गोपाल, जब तुम स्वयं ही कह रहे हो कि दामाद एक कृतघ्न व्यक्ति होता है तो उसे सजा देने से इनकार क्यों? महाराज ने पूछा। वो इसलिए महाराज कि ऐसा करने से सारे राज्य में अराजकता फैल जाएगी। दामाद तो मैं भी किसी का हूं, आप भी किसी के दामाद हैं, यहां मौजूद सभी व्यक्ति किसी न किसी के दामाद हैं। आप किस किस को फांसी पर चढ़वाएंगे? अपने प्रश्न पूछा और मैंने उसका उत्तर दे दिया। बात यहीं समाप्त हो गई क्योंकि सबका नजरिया अलग अलग होता है। महाराज को एहसास हो गया कि वो इस नजरिए से नहीं सोच पाए थे। गोपाल सजा देने का अपना विचार त्याग दिया। साथ आए मंत्री भी गोपाल की बुद्धि का लोहा मान गए। जिसने प्रश्न का सटीक उत्तर भी दिया साथ ही उसका निराकरण भी बता दिया।